सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशिका ने फ़ाज़ा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाज़िरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए, आज दिन है मंडे और छट्टी शरीफ के बाद वाला दिन है, कल छट्टी शरीफ हो गया और आज मैं आपको पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे। और आज हमारे कुछ सब्सक्राइबर यूपी से आए हुए हैं, वो हमारे पीर साहब से ज़ियारत करेंगे, चादर चढ़वाएंगे, तो वो भी मैं आपको नज़र इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आइए पहले आप शाहजहानी मस्जिद से आप गुंबद शरीफ देख रहे हो, देखिए ज़ियारत कीजिए, दुआ मांग लीजिए और आइए शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर कैसे देख लीजिए आप। जी जी देखिए, छट्टी शरीफ की बाद वाला दिन का मंजर है, आप देख रहे हो आज दिन है मंडे, तो मंडे का दिन का ये देखिए, देख सकते हो कितना ज़ायरीन है दरबार शरीफ के अंदर, ये शाहजहानी मस्जिद के अंदर। और आज भी वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हमारे सब्सक्राइबर भी आए हैं, उन्होंने चादर चढ़ाया हमारे पीर साहब के द्वारा, वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए यहाँ से आमदन के दरबार शरीफ ज़ियारत कीजिए। और ये देखिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए। आइए आगे चलते हैं, ये शाहजहानी मस्जिद का मैंने नज़रा पहले दिखा दिया हूँ। और आइए अब ये आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट भी ज़ियारत कीजिए, जिस गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आते हैं। इस गेट को भी आप लोग ज़ियारत कीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए 4 नंबर गेट, ज़ियारत करके बाहर आने का गेट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए माशाल्लाह आज की भीड़ दरगाह शरीफ के अंदर देख सकते हो, और ये जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजे को भी आप ज़ियारत कीजिए। चलिए आज एक जगह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होंगे, ज़्यादा देर तक हम खड़ा नहीं होंगे क्योंकि हम घूमते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा। हमारे सब्सक्राइबर जो आए हैं, उन्होंने चादर चढ़ाया, चादर पेश करवाया है, वो भी नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से मैं सैयद बाबा अली चिश्ती गरीब नवाज के दर का ग़ुलाम, अभी इस वक्त हमारी खानकाह पे मौजूद हैं गरीब नवाज की बारगाह में। और हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ये बरेली से गरीब नवाज के तमाम आशिक मौजूद हैं, ये आए हैं, हर साल बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में हाजिर होते हैं, अपनी मोहब्बत और अकीदत के नजराने तोहफे पेश करते हैं और हमेशा हम इनके लिए दुआ करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। तो इंशाल्लाह अभी बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में ये जितने चाहने वाले आशिक मौजूद हैं, सब की तरफ से गलाफ और फूल का नजराना गरीब नवाज की बारगाह में पेश करेंगे। इंशाल्लाह सभी के लिए दुआ करेंगे, मौला गरीब नवाज सबको अपनी हिफाजत में रखें, अपनी पनाह में रखें और ये हमेशा गरीब नवाज की बारगाह में इसी तरह से हाजिर होते रहें। गरीब नवाज इनको हमेशा खुशियों के साथ, कामयाबी व कामरानी के साथ अपने दर दौलत पे बुलाते रहते हैं और हमेशा ये बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में गलाफ और फूल का तोहफा पेश करते हैं। इंशाल्लाह अभी सबके लिए दुआ करेंगे और सबकी तरफ से दरबार गरीब नवाज में गिलाफ पेश करेंगे। जी तो आइए हम थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो आप लोग कहाँ से आया? हम बरेली जिला, बरेली से, यूपी, यूपी आमला जी। अच्छा आमला जी से, तो देख सकते हो हमारी सब्सक्राइबर है, इंशाल्लाह हर साल ये भाई साहब पूरा काफिला लेके आते हैं, ज़ियारत करते हैं हमारे पीर साहब से, पीर साहब इनके लिए दुआ करते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी करेंगे, इस बार भी इनके साथ चादर चढ़वाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए जरा भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं आप? 2020 से। तो हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा होता है ना इंशाल्लाह। तो चलिए, हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है इनको और माशाल्लाह ये पूरा फैमिली के साथ जो हमारा वीडियो अपना घर में बैठ के देखता है, ये सुनकर हमारी बहुत खुशी हुई है। और देख सकते हो अभी इनके लिए चादर फूल आ गया है, अभी हमारे पीर साहब के साथ चलेंगे और अंदर पेश करेंगे। तो आपको तो मैं अंदर लेके जा नहीं सकता, बाहर बात तक इंशाल्लाह नज़ारा दिखाएंगे। और देख सकते हो माशाल्लाह कितना बड़ी चादर है, अभी पेश होगा इंशाल्लाह। और हमारी पीर साहब भी दुआ किया है और इंशाल्लाह आस्था शरीफ के अंदर देखा और भी करेंगे इन लोगों के लिए। तो चलिए फिर आगे का नज़ारा पता करते हैं, इन्होंने कब से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार शरीफ में आ रहा है और इन दरबार में आने के बाद कैसे इनका महसूस होता है, कैसा लगता है? जी भाई साहब बताइए जरा। सबसे पहले हम सन 1987 में बस के द्वारा आंवला से अजमेर शरीफ आए थे जी। उसके बाद
लगातार 2008 से हम लगभग 100-110 लोगों के साथ काफिले के साथ आते हैं और गरीब नवाज से हमें सबको बहुत बड़ा फैज मिलता है। आज गरीब नवाज की दुआओं से हम लोग कहीं से कहीं पहुंच गए। ये दर ऐसा है, यहाँ पर कोई भी आएगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, या कोई खाली नहीं जाता है। माशाल्लाह, तो हमारे पीर साहब के साथ जियारत के बाद आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम काफ़ी टाइम से पीर साहब के वहाँ गेस्ट हाउस पे भी रुकते हैं। अच्छा, रुकते चले आए हैं वहाँ, बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं हमें, कोई परेशानी नहीं होती है जी। तो आइए आगे और भी हम लोगों से भी पूछते हैं। इनका बहुत बड़ा कफला है, देख सकते हो, सब आते हैं साथ में। बहुत अच्छा इंशाल्लाह, और कोई कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह। आपको कैसे लगता है भाईजान? अबरार भाई, बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है, सबके अच्छा लगता है। जी जी, माशाल्लाह, गरीब नवाज के दरबार है, फैज के दरबार है। इंशाल्लाह जो यहाँ पर आते हैं सबको फैज मिलते हैं, और इनके साथ महिलाओं भी आते हैं, लेडीज देख सकते हैं, सब साथ में है, फैमिली है माशाल्लाह, सभी बैठे हुए। इंशाल्लाह अभी चादर के साथ चलेंगे अंदर, जियारत करेंगे। आइए फुरकान भाई, आप कुछ बोलेंगे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, बोलिए आप कुछ। हम लोग हर साल जो है लगभग 2012 से लगातार ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी फरमा होते हैं जी, और यहाँ से तमाम आए हुए जायरीन फैजयाब होते हैं जी, और पीर साहब के गेस्ट हाउस में हम लोग हर साल ठहरते हैं। यहाँ पर तमाम सुविधाएं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा जी। और जियारत भी इनके द्वारा अच्छा होते हैं ना? जियारत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हजरत हमारी खिदमत का टाइम खिदमत ही करते हैं, इनके हाथ से खिदमत ही होती है और इनके हाथ से दरबार खुला जाता है तहज्जुद वक्त। इंशाल्लाह दुआ उस टाइम बहुत अच्छा होती है, देख सकते हैं आप, सब कह रहा है, इंशाल्लाह सब खुश है, देख सकते हैं इनके साथ सब बच्चों भी है, बुजुर्ग है, सभी मिला गया है इंशाल्लाह। आइए ये भाई साहब और कुछ कहना चाहता है जी, बोलिए। चंचल हमारी बहुत देखभाल रखता है भाई, चंचल का चैनल जो है सब लोग सब्सक्राइब करते रहे भाई, चंचल जो है बहुत मेहनत से लगे रहते हैं यहाँ पर गरीब नवाज के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दुनिया भी और कार मुश्किलें आसान, या हुजूर मौला गरीब नवाज, जितने चाहने वाले आशिक आपकी बारगाह में हाजिर हैं, सबकी हाजिरी कबूल फरमाई, रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ़ अता फरमाई, सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाई, सबके कारोबार में रोजगार में तरक्की अता फरमाई, सबके रिज्क में बरकत अता फरमाई, सबे आपकी पनाह में रखी है गरीब नवाज, कसम कुर्सी में गरीबों के सहारे ख्वाजा, तेरी शान के सदके मेरे प्यारे ख्वाजा, देख लो एक नजर ख्वाजा उस्मा की कसम, हमने परसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा, इस तवक्को पे कि तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा, आपके दर पे गरीबों की नजर पड़ती है, खत्म हो जाते हैं जब सारे सहारे ख्वाजा, आप हैं नूर अली नूर नबी नूर खुदा, आपकी दीद है किस किस के नजारे ख्वाजा, होता पंजतन पाक सदके उतारे ख्वाजा, पंजतन पाक बारह इमाम चौदह मासूमीन का सदका उतारा, गैब से अता फरमाई, जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमाई, जो कर्जदार हैं कर्जदारी से सबकदोशी अता फरमाई, गुना औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमाई, जिनके घरों में बच्चे बच्चियाँ होशियार हैं मौला, इनके माँ बाप को अपने बच्चों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाई, जो परेशान हाल है परेशानियों से निजात अता फरमाई, जो मुश्किल में है उनकी मुश्किल कुशाई अता फरमाई, हाजत रवाई अता फरमाई, इनके बच्चे बच्चियों का नेक नसीब अता फरमाई, इल्म की दौलत से मालामाल फरमाई, इनके बुजुर्गों का साया इनके सरों पर देगी ना कायम और दायम अता फरमाई, या मौला गरीब नवाज, ये छोटा सा चादर और फूल का तोहफा नजराना पेश कर रहा है, कबूल फरमाई, बार बार खुशियों के साथ कामयाबी व कामरानी के साथ इनको आपके दर दौलत पे बुलाते रहिए गरीब नवाज, गरम शाम के हाल रखिए ख्वाजा, सबकी झोलियों को बहरे मुराद से भर दीजिए गरीब नवाज, सबके घरों में आपके दरबार की रहमतें और बरकतें अता फरमाई, बगर दाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शकिस्ता रात कुश्ती, बहके ख्वाजा उस्मान हार ने, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल के हर दाग को फूल बना दो ख्वाजा, गुलाम की फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा, एक नज़र अपने गदा पर कीजिए, दामन मकसूद को भर दो गरीब नवाज, अब ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए माशाल्लाह, अभी दुआ खैर यहाँ पर तो हो चुका है, और अभी चादर लेके इंशाल्लाह हम लोग रवाना होंगे।
और एक पूरा काफिले के साथ आस्ताना शरीफ के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। देख सकते हो फूल की टोकरा उठ चुका है, अभी चादर के भी टोकरा उड़ेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। चलिए अब इंशाल्लाह हम लोग आस्था से के बाहर तक चलेंगे इस तरह। ये देख सकते हो हमारे पीर साहब भी साथ में है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखिए गुंबद शरीफ माशाल्लाह, पायती से मैं आपको दिखा रहा हूँ गुंबद शरीफ, और एक पूरा काफले के साथ आ रहा है चादर लेके, देख सकते हो। जी देखिए पायती से गुंबद भी है और एक पूरा पायती का नजारा देख सकते हो जी। और देखिए किस तरह चादर फूल लेके आ रहे हैं मंदिर से हम। अभी इसी गेट से अंदर जाएंगे हम, अंदर जाना पड़ेगा, हम यहाँ तक नजर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ये हमारे पीर साहब के साथ साथ है, हमारा पीर साहब पहले एंट्री ले रहा अंदर। जी इंशाल्लाह जी 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 पूरा काबले का दुख आप। जमा हो जाओ आप लोग। हाँ माशाल्लाह यहाँ से गुंबद भी देखो। ये हमारा पीर साहब पहले जा रहा है, देख सकते हो आगे अंदर दाखिल हो रहा है 3 नंबर गेट से। ये VIP गेट है जो अंदर अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारे सब्सक्राइबर का कपड़ा पूरा अंदर जा रहा है। यहाँ से गुंबद माशाल्लाह बाबा की गुंबद, ये देखिए आतायनूर के कतार लंबा लाइन यहाँ से शुरू हो गया आज। ये आतायनूर का लाइन है, चलिए आपको आतायनूर भी ले चल रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये मंजर। माशाल्लाह आइए अभी आता ही नहीं उससे थोड़ा आस्था से जियारत कीजिए, दुआ मांग लीजिए। देखा हमने इंशाल्लाह आज का मंजर आतायनूर का, इतना भीड़ है और ये देखिए बैठ के कैसे लोग इबादत कर रहे हैं, देख लीजिए आप। तो ये आतायनूर का मंजर आप देख सकते हो माशाल्लाह किस तरह यहाँ का मंजर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बिल्ली, माशाल्लाह किस तरह अंदर दाखिल हो रहा बाहर से लोग देखिए, सब बाहर से आने वाला जारी ने मतलब गेट की बाहर से आ रहा अंदर दाखिल हो रहा है। आइए ये देखिए आमदन के दरबार शरीफ जियारत कीजिए इधर से भी, और ये देखिए संदली मस्जिद के अंदर की मंजर। चलिए और आगे चलते हैं।
पूरी बाहर तक ले चलेंगे आपको इंशाल्लाह। ये देखिए वजू खाना की मंजर, ये देखो मेरा भाई मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो जी? ये देखिए पूरा वजू खाना की मंजर। आइए 3 नंबर गेट की मंजर देखिए बाहर से आने जाने का। चलिए और आगे चलते हैं इंशाल्लाह, पूरा बाहर तक चलेंगे। आज छट्टी शरीफ की बाद वाला दिन है, यानी चांद की आज 7 तारीख है। तो देखिए 7 तारीख का दिन अभी अजमेर शरीफ दरगाह में जायरन कितना है, ये बड़ी रेग है। और ये देखिए आप छोटी देग, ये आप देख रहे हो बुलंद दरवाजा के नीचे का चैल फैल। ये देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट की मंजर। और इधर आप देख लीजिए अकबरी मस्जिद, और आप ये देख लीजिए बाहर से आने का गेट है। देखिए ये नौबत खाना गेट है। नौबत खाना गेट के बाद बाहर आएंगे आपको मेन गेट, ये मेन गेट आ रहा देख सकते हो आप। ये बैग लेके अंदर आने नहीं देता था, किस तरह बाहर करवाया जा रहा है इनको। ये देखिए मेन गेट है, जो बाहर से अंदर दाखिल होने का। माशाल्लाह मेन गेट से दरगाह बाजार के मंजर देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी चादर जा रहा है अशरफ, माशाल्लाह देख सकते हो ये दरगाह बाजार की नज़ारा इंशाल्लाह कितना बेहतरीन है। आज चांद की 7 तारीख भी है। ये देखिए रेलवे स्टेशन से आने जाने का रास्ता नाला बाजार की मंजर। और इधर आप देख लीजिए 2.5 दिन में झोपड़ा तारागढ़ आने जाने वाला रास्ता। और ये है दरगाह बाजार। इंशाल्लाह तो ये है दरगाह बाजार की मंजर आप देख रहे हो। आइए यहाँ से मेन गेट देख लीजिए, आगे और नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर का वीडियो हम ज़्यादा लंबा हो गया, बाहर और नहीं दिखाएंगे आपको। ये देखिए मेन गेट माशाल्लाह। तो इसी वीडियो में हम यहीं तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।